वेलकम बैक टू मिरेकल यूनिक क्लासेस। मैं मैसली एंड आप देख रहे हो मिरेकल यूनिक क्लासेस। आज है फिर से प्रीफिक्स वाले वर्ड्स, और मैं आपको बता चुका हूं कि अब मैं आपको वर्ड्स को रट्टा नहीं मारने दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं हफ्ते के दो या तीन दिन प्रीफिक्स और सफिक्स से जुड़े हुए वर्ड। और प्रीफिक्स और सफिक्स से जुड़े हुए वर्ड्स अगर आप याद कर लेते हो ना, तो आपको 20% वर्ड्स को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको देखकर ही उन शब्दों की हिंदी पता चल जाती है, या आप ये पता कर लेते हो कि उसका हिंदी अर्थ क्या होने वाला है, क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स को लेकर के हज़ारों क्या लाखों के तादाद में वर्ड्स बनाए गए हैं, जिनसे परिचित होना, जिनसे वाकिफ होना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है, ताकि हम अपनी वोकैब पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, और भी ज़्यादा उसे हम ब्यूटीफुल तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ लगभग 11 वर्ड्स, और इन 11 वर्ड्स में दो प्रीफिक्सेस आए हुए हैं। यानी पहला प्रीफिक्स जो है वो प्रूफ के साथ है, और दूसरा प्रीफिक्स जो है वो मिड के साथ है। लेकिन जो पहला वाला है वो प्रीफिक्स नहीं है, वो सफिक्स है, एंड दूसरा वाला जो है वो प्रीफिक्स है। अब कैसे, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई सारे वीडियोज़ में, कि जो वर्ड्स, जो लेटर्स शब्दों से पहले जुड़े जाते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। यानी प्रीफिक्स कहने का मतलब है पी से पहले और पी से प्रीफिक्स। और सफिक्स की बात करें तो जो वर्ड्स या जो लेटर्स किसी शब्द के बाद में ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उनको हम सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को लेकर के ना अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रीफिक्स पहले आएगा कि सफिक्स पहले आएगा। मैं भी पहले अक्सर कन्फ्यूज हुआ करता था इन दो चीज़ों में। तो आपको बस एक ट्रिक याद रखना होगा कि पी से पहले तो पी से प्रीफिक्स, यानी पहले जुड़ने वाला प्रीफिक्स होता है और बाद में जुड़ने वाला सफिक्स होता है। एक बात आपको मैं और भी बता दूं, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, कि 20% वर्ड्स को आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीफिक्स वाले हिंदी याद कर लेते हो ना, प्रीफिक्स वाले और सफिक्स वाले अगर अर्थ को अगर आप याद कर लेते हो, तो आई थिंक आप बहुत सारे वर्ड्स का बिल्डिंग खुद कर सकते हो, यानी बहुत सारे वर्ड्स का फॉर्मेशन आप कर सकते हो, और बहुत सारे वर्ड्स को अगर आप देखोगे ना तो उसकी हिंदी खुद निकाल पाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी उस प्रीफिक्स का मतलब याद रहेगा, उस सफिक्स का मतलब याद रहेगा, और उसके बाद में जो वर्ड जुड़े रहेंगे, जो वर्ड की जो एडिंग रहेगी, भले वो वर्ड आपको पता हो या ना हो, लेकिन कम से कम आप तो प्रीफिक्स के जरिए सफिक्स वाले जो अर्थ हैं वो तो कम से कम समझ पाओगे कि यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में ये अर्थ होना चाहिए, सफिक्स के रूप में ये अर्थ होना चाहिए। और उसके बाद का जो वर्ड होगा, अगर वो आसान वर्ड हो, अगर आप उनसे वाकिफ़ हो, तो फिर दोनों को मिलाकर के आप तो हिंदी निकाल ही लोगे। तो इस प्रकार से प्रीफिक्स और सफिक्स हमारे वर्ड्स बिल्डिंग में बहुत ही कारगर होते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे रोल निभाते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज को लेकर के और हमारे वोकैब पावर को लेकर के। तो शुरू करते हैं आज का लेसन, आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप दो पॉइंट जानने वाले हो, एक सफिक्स और दूसरा प्रीफिक्स। सफिक्स जिसमें बहुत सारे शब्दों के बाद में हमने एक प्रूफ वर्ड लगाया है PROOF, और फिर दूसरे वाले में हमने सभी शब्दों से पहले MID का यूज़ किया है, यानी मिड का यूज़ किया है। इन दोनों प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का मतलब क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि आप बाकी के वर्ड्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, बाकी के वर्ड्स को आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आज की ये लेसन। तो यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी में लिखा है, यहाँ पर जो स्टार के चिन्ह मैंने दिए हैं 5, और इसके बाद जो वर्ड्स हैं ये सब के सब सफिक्स वाले हैं। तो सबसे पहले सफिक्स अलग कर लेते हैं। आप सफिक्स के रूप में क्या देख रहे हो, प्रूफ, यहाँ भी प्रूफ, यहाँ भी प्रूफ, यहाँ भी प्रूफ, एंड यहाँ भी प्रूफ। अब हम सफिक्स को, यानी ये तो सफिक्स को हमने अलग किए, अब हम कर लेते हैं ज़रा सा प्रीफिक्स को अलग। प्रीफिक्स के रूप में आप यहाँ देख रहे हो मिड, 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 एंड मिड। ओके, तो मिड को हम प्रीफिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो शुरू में जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, और जो अंत में जुड़ते हैं वो सफिक्स होते हैं। इन दोनों की हिंदी हम अच्छे तरीके से जानेंगे, और इनका शब्द फॉर्मेशन कैसे करना है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PROOF जो वर्ड है ना, उसके कितने मतलब होते हैं, खासकर उसके दो तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब ये है कि प्रूफ का मतलब होता है सबूत, यानी सबूत, प्रमाण, है ना, इस सेंस में आता है। सबूत आप कहते हो तो उर्दू में कहते हो, प्रमाण कहते हो तो आप हिंदी में कहते हो, लेकिन यहाँ पर प्रूफ का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। यहाँ पर प्रूफ का मतलब आने वाला है रोधक, रोधक कहने का मतलब है रक्षा करने वाला, जो उस चीज़ से आपकी रक्षा करेगा। किसी भी चीज़ के बाद, यानी किसी भी नाउन के बाद, किसी भी वर्ड के बाद जब आप प्रूफ लगाओगे ना, तो वहाँ प्रूफ का मतलब आप साबूत या प्रमाण मत निकालना, बल्कि वहाँ पर प्रूफ का मतलब आपको निकालना होगा रोधक, यानी रक्षा करने वाला। कैसे, ये तो हमारे वर्ड्स बताएंगे ना। तो चलो, सबसे पहला वर्ड है वाटर प्रूफ।
वाटर में हमने प्रूफ लगाया तो बन गया वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ का मतलब होता है जलरोधक, यानी जिसका जल पर कोई असर ना हो। मान लो कि मैंने कोई वॉच खरीदी और वो वाटर प्रूफ है, तो मैं उसको पानी में भी डुबो दूंगा ना तो उसको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वाटर प्रूफ है। जिस पर जल का कोई असर ना हो यानी जल से रक्षा करने वाला को हम कहते हैं वाटर प्रूफ। इस प्रकार से दूसरे वर्ड को देखते हैं फायर प्रूफ। फिर से फायर के बाद प्रूफ हमने जोड़ा है ना, तो फायर मीन्स तो आग या अग्नि होता ही है, और प्रूफ कहने का मतलब है रोधक, यानी फायर प्रूफ का मतलब है अग्निरोधक, यानी अग्निरोधक का मतलब है वैसी चीज़ जो आग में न जल पाए, वैसी चीज़ जिसको आग में हम न जला पाएँ या फिर जले भी तो बहुत देर से जले, है ना, वैसी चीज़ों को हम फायर प्रूफ कहते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो फायर प्रूफ हो, ठीक है, तो फायर प्रूफ का मतलब है अग्निरोधक, यानी जिसका आग पर कोई असर ना हो, जिसका आग पर कोई असर ना हो उसे हम कहेंगे फायर प्रूफ। थर्ड वाले की बात करते हैं रेन प्रूफ। वैसे आपको पता है कि रेन का मतलब वर्षा होता है, बारिश होता है ना, बरसात होता है, लेकिन यहाँ पर रेन का मतलब तो वर्षा है ही, और इसके बाद जो प्रूफ आया है फिर से रोधक के सेंस में आया है, यानी वर्षारोधक। यानी वर्षारोधक कहने का मतलब है जिसका बरसात का असर ना हो, जिस पर वर्षा का असर ना हो, जिस पर बारिश का असर ना हो, उसे हम कहते हैं रेन प्रूफ। जैसे कि रेन प्रूफ कोट कह सकते हो, रेन प्रूफ क्लॉथ कह सकते हो, या रेन प्रूफ और भी बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो, जिस पर बारिश पड़े भी ना तो उस पर कोई इफेक्शन ना आए, यानी कहने का मतलब है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम कहते हैं रेन प्रूफ। चौथे वाले की बात करें तो चौथे में है वेदर प्रूफ। वेदर यानी मौसम होता है, आपको पता ही होगा, प्रूफ फिर से रोधक के सेंस में या जिस पर असर ना होने के सेंस में। तो वेदर प्रूफ का मतलब है जिस पर मौसम का असर ना हो, यानी कोई भी मौसम का असर होना, जैसे कि कोई ऐसा क्लॉथ, कोई ऐसा गारमेंट, कोई ऐसा गेटअप, है ना, जो आप किसी भी सीजन में पहन सकते हो। अगर गर्मी में पहनते हो तो आपको गर्मी नहीं लगने वाली है, सर्दी में पहनते हो तो आपको सर्दी नहीं लगने वाली है। इस प्रकार से जो सभी ऋतुओं में, सभी सीजनों में आप पहन सको उसे आप कहोगे वेदर प्रूफ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वेदर प्रूफ, जिस पर मौसम का कोई भी असर ना हो। नंबर फाइव की बात करते हैं बुलेट प्रूफ। बुलेट का मतलब तो गोली होता है, वही बंदूक वाली गोली, आपको पता भी होगा। तो बुलेट मीन्स गोली, और फिर से प्रूफ आया हुआ है, बुलेट प्रूफ मिलकर के बना, बंदूक की गोली का जिस पर असर ना हो, यानी कोई ऐसा ड्रेस, कोई ऐसा गेटअप, कोई ऐसा लिबास जिसको आप पहन लोगे तो कोई अगर आप पर गोली भी चलाए यानी आपको शूट भी करना चाहे तो आपको गोली का असर नहीं होगा, जहाँ तक आप पहने होंगे, जहाँ तक आपका वो बुलेट प्रूफ क्लॉथ होगा या जहाँ तक उसका मतलब आवरण होगा वहाँ तक गोली का कोई असर नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो नामी ग्रामी हैं, रिनाउंड हैं, है ना, पॉलिटिशियन लोग खासकर बुलेट प्रूफ का इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि उनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कब कौन किसको टपका दे पता नहीं, बुलेट प्रूफ का वो लोग इस्तेमाल ज़्यादा किया करते हैं। तो बुलेट प्रूफ का मतलब है कि वैसा क्लॉथ या वैसी चीज़ जिस पर गोलियों का असर ना हो। अब ये तो हमने बात की सफिक्स की, यानी सफिक्स के रूप में हमने प्रूफ देखा कि किसी भी शब्द के बाद अगर आपको प्रूफ दिखाई देना तो आप समझना कि प्रूफ का मतलब वहाँ रोधक होने वाला है, बचाव करने वाला, रक्षा करने वाला, ऐसा सेंस देगा। लेकिन अगर सिंगल रूप से कहीं आपको प्रूफ मिल जाए ना तो ऐसा अर्थ मत निकालना, वहाँ पर इसका अर्थ निकालना सबूत या फिर प्रमाण। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स के रूप में हमने 6 वर्ड्स लिखे हैं वहाँ पर, और सभी वर्ड्स में हमने देखा है कि MID आया हुआ है, यानी मिड। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मिड का मतलब होने वाला है मध्य, मिड का मतलब होगा मध्य या मध्यम, यानी कहने का मतलब है बीच का अर्थ को दिखाएगा, ये मध्य समय को दिखाएगा, बीच के समय को दिखाएगा मिड। अब कैसे, मिड डे, जिसको मिड डे लिखा तो हुआ है लेकिन इसको मिड डे कहते हैं, क्योंकि डे का अलग से तो अर्थ होता ही है दिन, और मिड जोड़ देने के बाद में यानी मिड डे यानी दिन का जो बीच का भाग है, मान लो कि 12 घंटे के दिन है, ठीक है, 12 घंटे में आधा कर लो ना तो 12 पे आ जाओगे, यानी कहने का मतलब है 12 बजे तक 12 पे आ जाओगे ना, क्योंकि 6 से 12 और फिर 1 से 6, तो उस प्रकार से 12 बजे का जो समय होता है वो मिड डे कहलाता है, यानी ठीक दोपहर का समय मिड डे, उसे कहते हैं मिड डे। ओके, एक मैं छोड़ दिया था, मिड टर्म। ओके, तो मिड जो है ना, मिड फिर से मध्य के सेंस में आएगा, और टर्म कहने का मतलब है अवधि, अवधि के सेंस में, यानी कहने का मतलब है समय और वक्त से जो ताल्लुक रखता हो उसे हम अवधि कहते हैं, इंग्लिश में टर्म कहते हैं। तो मिड टर्म का मतलब हो जाएगा मध्य अवधि, मध्य अवधि लिखा हुआ है मध्य अवधि, लेकिन आप इसको मध्य अवधि बोलोगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे शब्दों में ना जब कुछ शब्द जोड़े जाते हैं तो अ को अंडरस्टूड कर लिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये है मध्य और ये है अवधि,
तो इस मध्य अवधि को मिला करके मध्य अवधि बनाया गया है, तो इस अ को हटा लिया गया है। जैसे कि प्रधान अध्यापक, आप अगर अलग अलग लिखते हो तो क्या लिखते हो, प्रधान एंड अलग से अध्यापक, लेकिन इसको एक में जोड़ कर क्या लिखा जाता है, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। क्यों? क्योंकि अ को हम अंडरस्टूड कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो यहाँ मध्य अवधि है ये, या मध्यवधि ऐसे बोल सकते हो, लेकिन मध्य अवधि बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अ तो नहीं है, लेकिन आपको अ की मात्रा देनी पड़ेगी। तो मिड टर्म, मध्य अवधि, मिड डे ठीक दोपहर का समय जो 12 बजे का समय होता है, थर्ड मिड नाइट, नाइट मीन्स तो रात होता है ना, रात्रि होता है, और मिड जोड़ दो आधी रात हो जाएगा, क्योंकि मिड का मतलब है आधा, आधी, आधे, मध्य, मध्यम, है ना, तो मिड नाइट यानी आधी रात। मिस मिड साइज्ड, मिड साइज्ड वैसे तो साइज का मतलब आकार होता है, आप सब लोग जानते हो, है ना, और इसके साथ मिड जोड़ दोगे मिड साइज्ड, तो ये हो जाएगा मध्यम आकार का, यानी कहने का मतलब है न बड़ा न छोटा, यानी बीच का, एकदम मीडियम लेवल का जिसको हम कहते हैं, उसे कहते हैं मिड साइज्ड, है ना। जैसे कि ये कपड़ा मिड साइज्ड है ना, ये बेंच मिड साइज्ड है, ये कुर्सी मिड साइज्ड है, यानी कहने का मतलब है पसंद लायक है, ना बड़ा है ना ही छोटा है, मध्यम आकार का है, उसे कहते हैं मिड साइज्ड, मध्यम आकार का। नंबर पाँचवें की बात करते हैं, मिड वे, वे का मतलब होता है रास्ता, आपको पता है, और मिड लगा दोगे तो फिर से बीच का तो अर्थ आ ही जाएगा, बीच या मध्य या मध्यम, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बीच रास्ते में, मिड वे बोले तो बीच रास्ते में। अब सबसे अंतिम की बात करें, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का मतलब है मध्य बिंदु, यानी कहने का मतलब है बीच की बिंदु, ओके, बीच की बिंदु, मान के चलो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, और बीच में अगर आप जा करके रुक गए और किसी ने फ़ोन किया भाई किधर हो, तो मैं मिड पॉइंट पे हूँ, वो बंदा जानता है कि आप इतनी दूर की सफ़र करने वाले हो, है ना, तो आप बोलोगे कहाँ हो तुम, वेयर आर यू, बोलोगे आई एम, है ना, आई एम इन द मिड पॉइंट, या आई एम ऑन द मिड पॉइंट, तो वहाँ पर मिड पॉइंट का मतलब होगा मध्य बिंदु की डिस्टेंस पर आप हैं, ना इधर ना उधर, एकदम बीच में हैं, तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे मुझे बताना मत भूलना कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत हो तो आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं देता रहूँगा। वैसे आप कमेंट करो या ना करो, मैं तो वीडियोस देता ही रहता हूँ, है ना, और आप लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं तो आपकी खिदमत में, मैं तो आपको हमेशा शिक्षित बनाने में, एजुकेट करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ, हमेशा मैं आपके साथ रहता हूँ, एंड आगे तक भी आपके साथ ही रहूँगा, डोंट वरी, और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज दिया करूँगा, बस मेरे साथ, मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस पे मेरे साथ बने रहो, और मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि डिफरेंट वे से मैं आपको एजुकेट कर सकूँ, डिफरेंट वे से मैं आपको पढ़ा सकूँ, और डिफरेंट वे से आपको, कहने का मतलब है, एक शिक्षित व्यक्ति बना सकूँ और आपका व्यक्तित्व को भी संवार सकूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा नहीं, 5-10 कर देना, ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि इसके लिए मैं गुजारिश ज़रूर करता हूँ, बिकॉज शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है ना, हाईलाइट होने के लिए। सो आप कुछ और करना या ना, लेकिन वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।